हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश, सरस्वती विद्या मंदिर बर्बाद सेना बेतिया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर 9, नेम्ड एज सॉयल। वैसे हम लोग जानते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जिस पर लाइफ पाया जाता है, और कोई सोलर सिस्टम में ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिस पर जीवित प्राणी रहते हों। और ये सब पॉसिबल हो पाता है यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस के कारण, क्योंकि एक लाइफ के लिए जो भी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए वो इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। पृथ्वी का वैसे स्ट्रक्चर पृथ्व्याकार या बोल सकते हैं गोलाकार है, जिसको हम जनरली हम लोग तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कोर, यानी कि इसका सेंट्रल पार्ट। दूसरा मेंटल, जो कि हार्ड पत्थर से बना हुआ है। और तीसरा इसका सबसे ऊपरी पार्ट, जिसे हम लोग अर्थ क्रस्ट कहते हैं। इसी ऊपरी पार्ट पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी वनस्पतियाँ निवास करती हैं, और इसके चारों तरफ इसको ब्लैंकेट की तरह कवर करता है हमारा एटमॉस्फेयर। इस अर्थ क्रस्ट का सबसे ऊपरी पोर्शन जो है वो है सॉयल, यानी कि मिट्टी। हमारे आसपास जहाँ भी नज़र जाती है चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी पाया जाता है। और इसकी विशेषता है कि ये वनस्पतियों को, यानी कि प्लांट्स और ट्रीज को लाइफ देने का काम करता है। यानी कि जितने भी तरह के प्लांट्स हैं वो सब के सब इसी मिट्टी में उगते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। उसके पहले हम लोग जानते हैं कि सॉयल होता क्या है, या सॉयल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर तीन डिफिनेशन लिखा है, इसके अलावा और भी डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। जैसे द अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉयल, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपरी हिस्सा जिस पर हम लोग रहते हैं, उसे हम लोग अर्थ क्रस्ट कहते हैं। और इस अर्थ क्रस्ट का जो मुख्य भाग है वो सॉयल है। दूसरा द मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, लिक्विड गैसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सॉयल। यानी कि सॉयल को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सॉयल एक तरह का मिक्सचर है जिसमें मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, लिक्विड गैस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि छोटे छोटे माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरियाज इत्यादि पाए जाते हैं। तीसरा है द मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉयल। जैसा कि 6 क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था सॉयल का डेफिनेशन, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉयल तीन तरह का होता है, क्ले सॉयल, सैंडी सॉयल एंड लोमी सॉयल। तो वहाँ से ये डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो सॉयल बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पृथ्वी पर जीवन के लिए, सॉयल बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हम सॉयल का इस्तेमाल, यानी कि इसका उपयोग कौन कौन से कार्यों में करते हैं। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसमें सॉयल का उपयोग किया जाता है। जैसे पहला नंबर है एग्रीकल्चर, यानी कि हम लोग जो खेती करते हैं और खेती करके खुद के लिए जो क्रॉप्स तैयार करते हैं जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है, ये सब का सब कार्य इसी सॉयल में किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सारे प्लांट्स इसी मिट्टी में उगते हैं, यानी कि ये मिट्टी उनके लिए लाइफ का एक सोर्स है। और एक प्लांट को जीवित रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें उन्हें मिट्टी से प्राप्त होती है। जैसे कि सॉयल के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि सॉयल में मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, लिक्विड गैसेस आदि मिक्स रहते हैं। इन्हीं सभी सब्सटेंसेस को जो पेड़ पौधे हैं, क्रॉप्स हैं, ये सारे अपने जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट्स। यही सभी चीज़ें उनके लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करती हैं, और इन्हीं का उपयोग करके पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, और इन्हीं भोजन पर बाकी सभी जीव जंतु डिपेंड करते हैं।
इसके अलावा एग्रीकल्चर में तो हम इसका उपयोग करते ही हैं, साथ में पॉटरी में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉट्स यानी कि मिट्टी से बनने वाले जो बर्तन होते हैं, सॉयल से जो पॉट्स बनते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग पॉटरी कहते हैं, यानी कि मिट्टी का उपयोग करके अलग अलग बर्तनों का निर्माण करना, इसे पॉटरी कहा जाता है। तो पॉटरी में भी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी सॉइल के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि मेडिसिन, बहुत सारे ऐसे एलोपैथी के मेडिसिन हैं जिनमें सॉइल का उपयोग किया जाता है। सॉइल में बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स, छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरसेस पाए जाते हैं जो अदर बैक्टीरियाज के लिए एंटीबायोटिक्स का काम करते हैं। तो इसके एसिडिक और बेसिक नेचर का भी मेडिसिन में उपयोग किया जाता है। साथ में बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी सॉइल का उपयोग किया जाता है। जैसे चेहरे पर लगाने के लिए एक तरह के विशेष मिट्टी का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, जो चेहरे को साफ करने में हेल्प करता है। तो इस तरह हम लोग इसका उपयोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में भी कर सकते हैं। और मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स, आजकल हमारे आसपास जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स तैयार हो रहे हैं, इनको बनाने के लिए भी सॉइल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें जो ईंट्स यानी कि ब्रिक्स का जो इस्तेमाल किया जाता है, वो ब्रिक्स मिट्टी से ही बनते हैं। मिट्टी को एक पार्टिकुलर शेप में ढालकर उसे पकाया जाता है आग में, जिसे ईंट तैयार होता है, और इसी ईंट से बिल्डिंग्स तैयार होते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि सॉइल का बहुत ही एक्सटेंसिव यूज है हमारे लाइफ में, इसीलिए सॉइल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। कंपोनेंट्स कहने का मतलब क्या, यानी कि सॉइल कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है, अर्थात सॉइल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, उन्हें हम लोग सॉइल के कंपोनेंट्स कह सकते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशंस में देखा कि द मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, लिक्विड, गैसेस एंड ह्यूमस, दैट्स ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। तो यही सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला नंबर रॉक पार्टिकल्स, ह्यूमस, मिनरल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिक्विड एंड गैसेस। ये सभी चीज़ें सॉइल में पाई जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे मैंने लिखवाए हैं, इन सारे कंपोनेंट्स इस मिट्टी में कैसे आते हैं, इस मिट्टी में इन कंपोनेंट्स का क्या उपयोग है, और ये कैसे मिट्टी को फर्टाइल बनाने में सहायता करते हैं, जिससे पेड़ पौधे अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। ये सभी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।